हरियाणा ओलंपिक संघ को चला रहे थे। अनेकों अनेक गड़बड़ियां पिछले हरियाणा ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने की। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि नकली खेल संघ अब अपनी दुकानदारियां बंद कर दें, अपनी शरारतें बंद कर दें। पहाड़ को भी जर्रा बना दो और अगर मेहनत और लगन से रहोगे तो आप अगर जर्रा है तो आप पहाड़ बनने की क्षमता रखते हैं। हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष सूरजपाल अमू ने कहा कि प्रदेश में खेल के नाम पर चल रही नकली संस्थाएं व अकेडमी पर जल्द ही नकेल कसी जाएगी। वहीं हरियाणा ओलंपिक संघ पर चल रही धांधली को लेकर उसके पदाधिकारियों पर भी एक जांच बैठाई जाएगी, जिसमें काफी घोटाला मिलने की आशंका है। हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष सूरजपाल अमू सोहना ने उक्त वाक्य सोहना के स्मार्ट व्यू होटल में आयोजित किए गए नागरिक अभिनंदन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में लोगों को संबोधित करने के बाद मीडिया को दिए बयान में कही। हरियाणा ओलंपिक संघ के तहत जितने भी खेल आते हैं उनमें पारदर्शिता है, खिलाड़ियों को उनका उचित स्थान मिले, उनको उनका सम्मान मिले, इस पर हरियाणा ओलंपिक संघ का ध्यान रहेगा। अब तक हरियाणा ओलंपिक संघ में जिस प्रकार से जिन लोगों का कब्जा था वो घर से हरियाणा ओलंपिक संघ को चला रहे थे। अनेकों अनेक गड़बड़ियाँ पिछले हरियाणा ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने की, उनकी भी जाँच हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो खेल मंत्री भी हरियाणा के वो और हमारी पूरी टीम इस पर विचार करेगी कि उन्होंने कहां कहां गड़बड़ियां की, उनकी जांच। आमू ने इस मौके पर कहा कि ओलंपिक संघ में जितने भी खेल आते हैं उससे संबंधित खिलाड़ियों को उचित स्थान मिलेगा। जिन लोगों ने काफी समय से हरियाणा ओलंपिक संघ पर कब्जा किया हुआ है, उसे घर से चला रहे थे, उनकी दुकान पूरी तरह से अब बंद हो चुकी है। कहा कि खेल के नाम पर कोई भी धांधली सहन नहीं की जाएगी। सोहना के स्टेडियम में काफी खामियां हैं जिन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। वह एक प्रयास रहेगा कि सोहना को एक अच्छा स्टेडियम मिल सके। निश्चित तौर पे खेलों के नाम पर धांधलियाँ, खेलों के नाम पर नकली संस्थाएं और खिलाड़ियों से पैसा ठककर उनको झूठे झूठे एकेडमीज में जिस प्रकार के सपने दिखाकर उनको लूटा जा रहा है, इस पर कैसे विराम लगे, इस पर भी विचार किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि नकली खेल संघ अब अपनी दुकानदारियाँ बंद कर दें, अपनी शरारतें बंद कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। मेरा स्टेडियम है जहाँ पर मैं खेला करता था, उसमें बहुत सारी अभी अनियमितता है, बहुत सारे काम बाकी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर, प्रदेश के खेल मंत्री से मिलकर ये स्टेडियम कैसे बने, अच्छा कैसे बने, यहाँ पर खेल सुचारू रूप से कैसे चालू हों, सोना के आसपास के गांवों के खिलाड़ियों को जो आज प्रतिभाओं को सम्मानित किया है उन खिलाड़ियों को सोना में स्टेडियम उपलब्ध हो, इस प्रकार का प्रयास में कर रहे हैं। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले फिरोज खान ने खिलाड़ियों के लिए संदेश देते हुए कहा कि आप लोग वहाँ हैं, चाहो तो एक पहाड़ को जरा बना दे, मेहनत और लगन से एक जर्रे को पहाड़ बना सकते हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि उन्हें बड़ी खुशी हुई है कि आज जब वह देश के इन खिलाड़ियों से मिले हैं, वह भी अपने जमाने में बॉक्सिंग चैंपियन रहे। इन बच्चों को देखकर अर्जुन को अपने पुराने दिनों की याद आ गई। मैं बॉक्सिंग चैंपियन रहा हूं महाराष्ट्र स्टेट का और आज भी पवानी 3 सेकंड नॉकआउट मेरा, वो मैं बोलने भूल गया, वहाँ स्टेज पर रहा है। तो आज यहाँ देखा मैंने इंडिया रिप्रेजेंटेटिव विनर बॉक्सर्स थे, ये सब थे, बड़ी खुशी हुई, बड़ा हर्ष हुआ और बड़ी खुशी इतनी हुई है कि मैं शायद उसको बयान नहीं कर सकता हूँ लफ्ज़ों में। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप लोग तो वो हैं यंगस्टर्स लोगों के लिए, अगर चाहो तो एक पहाड़ को भी जर्रा बना दो और अगर मेहनत और लगन से रहोगे तो आप अगर जर्रा है तो आप पहाड़ बनने की क्षमता रखते हैं। इस मौके पर ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष सूरजपाल अमू ने उन खिलाड़ियों को भी सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया जिन्होंने गोल्ड व सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया। ओलंपिक संघ में किए गए परिवर्तन के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि खिलाड़ियों को किस तरह की सुविधाएं मिलती। सोहना से हरियाणा वरदान के लिए विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।